शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साक्षी देखना जरा कौन है। ओके माँ। कौन था? कोई नहीं मम्मी, वो ना कोई कुरियर वाला था। अच्छा सुनो ना, मुझे ना बहुत देर हो रही है कॉलेज जाने के लिए, मैं निकलती हूँ। हाँ संभाल के जाना। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बेटा। क्या ये? कुछ नहीं, वो बैंक का नोटिस है। दिखाओ ना। नहीं नहीं, पहले बैठो और ये चाय लो, सुकून से पियो। देखोगे तो फिर से पढ़ोगे और टेंशन लोगे। सुकून से? 8 महीने से कॉलोनी का मेंटेनेंस बिल पे नहीं किया, 3 महीने से बिजली का बिल पे नहीं किया, मेड छोड़ के जा चुकी है। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर का राशन भरने तक के लिए पैसे नहीं है। लिसन, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बी पॉजिटिव। पता है पॉजिटिव वाइब का एक अलग इफेक्ट होता है। पॉजिटिविटी की बातें तब अच्छी लगती हैं जब जेब में पैसे होते हैं। मजबूर आदमी के लिए सिर्फ बेबसी होती है। तुम इतना टेंशन मत लो, हमारे पास ये घर है ना, लोन पे दे दो और जो भी पैसा आएगा उसको बिजनेस में लगा दो। हाँ अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल साक्षी का बर्थडे है ना। पता है मुझे, मैंने बात कर लिया उससे और समझा भी दिया है, वो अपने किसी फ्रेंड्स को नहीं बुलाएगी, ठीक है? और पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी, मीठा बनाऊंगी और बस हम तीनों बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना? तुम बस टेंशन मत लो, ठीक है? चाय पियो, मैं खाना बना कर आती हूँ। नीलामी का नोटिस। जब सोनिया को पता चलेगा कि मैंने ऑलरेडी मकान पर लोन ले रखा है और अब इसका नीलामी का नोटिस आ गया है, अब पता नहीं क्या होगा। कैसी लग रही हो मामा? बहुत प्यारी। थैंक यू, आप पे गई हो ना इसीलिए। अच्छा एक बात बताओ मम्मा, पापा कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन मम्मी मुझे पता है कि पापा कहाँ गए होंगे, वो ना हर साल की तरह मुझे सरप्राइज देंगे, देखना केक लेके आते ही होंगे। सॉरी बेटा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। साक्षी बेटा, पापा आ गए। क्या मेरे बर्थडे पे केक जरूर लाएंगे? ये केक लाने की क्या जरूरत थी? हाँ मेरी बच्ची का बर्थडे है और उसके बर्थडे पर केक ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? थैंक यू पापा। पर अभी केक, अरे मम्मी पापा बस भी करो ना, केक काटने का टाइम निकला जा रहा है। आप लोग यही सब करते रहोगे, केक भी काटोगे? चलो चलो काटो काटो। समय कौन आ गया? शायद कोई सरप्राइज, मैं जाके देखती हूँ। ये भगवान देखो, सरप्राइज। विजय अंकल आप, इतने दिनों बाद, वो भी इस टाइम। हाँ तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे। थैंक
यू सो मच। आइए ना बाहर क्यों खड़े, प्लीज अंदर आइए। हाय अविक, हाय सोनिया, तुम दोनों को साक्षी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अब तुम लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। क्यों, शादी कर रहे हो क्या? अरे शादी भी हो जाएगी, पर फिलहाल तो ये खुशखबरी है कि मैं अपने किराए का कमरा छोड़कर एक नया घर खरीद रहा हूँ, वो भी तुम्हारी कॉलोनी में। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अविक। अब देखना, मेरे नाम के साथ जो परमानेंट बैचलर का टैग है ना, वो भी जल्दी से उतर जाएगा। रिश्तों की लाइन लगने वाली है तेरे दोस्त के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा अच्छा, चलो अब ये सब तो ठीक है, पर केक काटने का टाइम निकले जा रहा है, हम लोग केक काटे प्लीज। काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. मुझे नहीं। इस केक में जहर है यार। जहर? जहर है? कमाल है यार। यहाँ मैं नया मकान पाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का प्लान कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तू मकान खोकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता। लानत है ऐसे नए मकान लेने पर यार। तो अच्छा हुआ मैंने अभी तक घर नहीं खरीदा। एक काम कर, तू सबसे पहले इस घर का लोन चुका, मैं तुझे पैसे दूंगा। क्या बात कर रहा तू यार, आंटी को जब पता चलेगा तूने घर लेने की बजाय मेरा लोन चुकाया है, उनको तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, बैंक से तेरा घर छुड़ाकर वो घर तू मेरे नाम कर दे, ठीक है? इससे क्या होगा कि तेरे मकान की नीलामी भी बच जाएगी और तुम्हें कहीं शिफ्ट भी नहीं होना पड़ेगा, और माँ को भी कोई टेंशन नहीं होगी। बस इस घर में तू मुझे एक कमरा दे दियो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब सोच क्या रहा है यार, दोस्त के गले मिल, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मुस्कुरा दे यार। थैंक यू सो मच यार। पता है अभी मैंने विजय को एक फ्लैट टाइप, चालू टाइप इंसान समझती थी, लेकिन वो इतना अच्छा इंसान होगा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सोनिया, किसी ने सच कहा है, जो जैसा नजर आता है सर नहीं वो वैसा ही हो। वैसे भी बहुत दिनों बाद सुकून मिला है मुझे, कुछ मीठा खाना तो बनता है ना? अभी मीठा खाना है? हाँ? अभी लाती हूँ, आप बैठो। मुबारक हो सोनिया, घर का अग्रीमेंट हो गया है, अब तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये अब तो हमारा ही बनता है। मैं भी थोड़ा सा बिल्कुल नहीं। तेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। सरप्राइज? ये ले 10 लाख का चेक और जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर, ले ना। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है, वैसे तूने इतना कुछ कर दिया। ये मैं तेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ। देख, घर में बैठा रहा तो मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? पैसे कमा और मेरा हिसाब चुकता कर, ठीक है? नहीं यार प्लीज। सुनो ना, विजय सही कह रहा है। देखो मैं भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही हूँ, मैंने मास्टर किया और आखिर पढ़ाई कब काम आएगी, है ना? That's the spirit, सोनिया। ए यार, स्माइल कर दे, सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है फिर भी। और बताओ मुझे कमरा कौन सा मेरा? साक्षी के पास वाले कमरे। चले? ये मुझे दे दो। आओ विजय। Thank you.
विजय कहाँ खो गए? ये साक्षी का कमरा है। वही तो, मैं कंफ्यूज हो गया। वो है मेरा कमरा? हाँ आगे है। और सुनो, जल्दी से सामान रख दो, नाश्ता रह रही है। ठीक है, आ जाओ। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। बाय नहीं, खाके जाओ। नहीं मम्मी, मेरे को रोज का ड्रामा है। नहीं नहीं खा। अरे एक मिनट, इसने नहीं खाना तो रहने दो ना। ये लो, जो मन में आए वो खा लेना। नहीं विजय अंकल, मैं इतने पैसों को क्या करूंगी, मुझे इनकी कोई नीड नहीं है, प्लीज। अरे मुझे मालूम है, कॉलेज में बहुत खर्चे होते हैं। तो नहीं, समझाओ ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो तो सही कह रही है ना, क्या करेगी पैसे लेके, अगर चाहिए होगा वो मांग लेगी। ठीक है, अभी तुम जाओ। और सुनो, ये लेते हुए जाओ, खाते हुए जाओ। ओके मामा, बाय बाय पापा, बाय अंकल। संभल के जाना। हाँ बाय। और इंतजार नहीं हो रहा, आज तो मैं अपने मन की करके रहूंगा। क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? नहीं वो बात नहीं है, पर इतनी रात को, is everything all right? Nothing is okay. अब पहले तो तुम मुझे ये अंकल कहना छोड़ दो, मुझे अपने फ्रेंड की तरह समझो, तभी तो मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या बात है? बात ऐसी है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, मेरे सामने सिर्फ तुम्हारी। क्या चल रहा है, अभी तक सोए नहीं तुम लोग, क्या गप्पे लगा रहे हो? अरे माँ, विजय अंकल को ना नींद नहीं आ रही थी, तो वो आए और वो बताने लगे कि उनकी आंखों के आगे कुछ मेरी तुम्हारी कुछ तो बता रहे थे, नहीं मैं आप आ गए। हाँ तो विजय अंकल आप क्या कह रहे थे बताइए ना। मैं ये कह रहा था कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारी मम्मी और पापा के सक्सेसफुल फ्यूचर की तस्वीरें घूम रही हैं। देखो तुम्हारे पापा का बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है, बस तुम्हारी मम्मी की बारी है। अब क्या बताओ विजय, इतनी जगह पे अप्लाई कर चुकी हूँ, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ना कोई कॉल ना कोई लेटर, पता नहीं कैसे क्या होगा। यही तो मैं बताने आया था, अब तुम्हें जॉब अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक स्कूल के प्रिंसिपल से पहचान है, मैंने उनसे बात की है, मंडे से तुम उनका स्कूल ज्वाइन कर सकती हो। सच? क्या बताओ विजय, किस मुँह से तुम्हें शुक्रिया अदा करें, तुम कितना कुछ कर रहे हो हमारे लिए। अब थैंक यू। पाओ मम्मा पे सच सच। अरे संभाल के, क्या ग्रेड नहीं आऊंगा। तुम्हारी जॉब लगाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने अपना रास्ता साफ किया है ताकि मैं साक्षी के साथ कुछ समय बिता सकूं। सोनिया, चाय मिल जाएगी आज? आ गई बस सोनिया चाय। सब भूखे हैं अभी। अरे ये बता, तेरा शादी हो गया बेचारा यार। तू कहे तो आज ही कर लेता हूँ। इसे अचानक आज तुझे मेरी शादी का क्या सूझा? वो क्या कि सोनिया की एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी लड़की है, 2 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ था, तो वो भी लाइफ में सेटल होना चाह रही है। देख यार, मुझे बड़ी उम्र की डिवोर्सी औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी करूंगा एक सुंदर अनमैरिड लड़की।
हो गया सुपी प्रैक्टिकल. लिसन, बड़ी उम्र लड़की से तुम शादी करना नहीं चाहते हो और छोटी उम्र की लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहेगी. और इस चक्कर में तुम्हारा वो क्या टैगलाइन है, क्या कौन सा वाला, परमानेंट बैचलर, यही बन के ना घर पे बैठ जाओ. अच्छा वैसे माँ पापा आप लोग का हो गया हो तो हम लोग चले, कॉलेज के लेट हो रही हूँ मैं पापा. तुम ही चलो. बेटा अंकल को बाय बोलो. बाय अंकल. बाय विजय. चलो चलो चलो. पहला दिन है ना तो लेट हो गया होगा. अरे यार पता नहीं मम्मी कब आएंगी, मेरे को इतनी ज्यादा भूख लगी है. मुझे पता था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया. तब तक ये जूस. थैंक यू अंकल. तब तक मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट लेता. थैंक यू अंकल. मैं तुम्हारी मॉम को फोन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कब तक आ रही. फोन मैं अपने कमरे में छोड़ा हूँ, तुम ला दोगे प्लीज. हाँ अंकल डन. इट्स ओके, आराम से देखो, इस उम्र में सब देखते हैं, इट्स नॉर्मल. अरे नहीं अंकल मैं तो. अरे कम ऑन. फिर अंकल मैंने कहा ना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और तुम चाहो तो ये मैगजीन अपने साथ ले जाओ. मैं मम्मी डैड को कुछ नहीं बताऊंगा. टेक इट विद यू. मुझे नहीं चाहिए अंकल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू गो, आई एम सॉरी. Thank you.
साक्षी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, जब से आई है तब से सो रही है। इतनी देर तक तो सोती नहीं है, तबीयत ठीक है ना उसकी? रुको मैं बुलाती हूँ साक्षी। वो देखो आ गई। क्या हुआ बेटा, रुके? नहीं पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? देखा मैंने कितनी बार कहा था तुझे बाहर का खाना मत खा। कुछ चटपटा खाया ना तूने? नहीं माँ, मैंने कुछ बाहर का उसको चटपटा कुछ ही नहीं खाया। जब मैं आई थी तब वे जंगल ने ऑरेंज जूस दिया था, बस वही पी के सो गई थी। खाली पेट सोओगे तो पेट में दर्द होगा ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। थैंक यू माँ, यू आर द बेस्ट। गई मेरी चिड़िया। हेलो अंकल। एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी मम्मी ने कहा है जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तुम अंदर नहीं जा सकती। खाना तो मैं खाऊंगी, मेरे को ना बहुत जोर से भूख लगी है। तो ये रखा है खा लो। इफ यू डोंट माइंड, क्या ये मैं अपने रूम में ले जाके खा सकती हूँ? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खा लेना। हाँ डन डन डन। We'll be right back.
अभी तुम्हें नहीं लगता है कि ये पैसे कमाने के चक्कर में हमने साक्षी के ऊपर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है? सोनिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, ताकि उसको फ्यूचर सिक्योर कर सके। वो सब कुछ तो सही है, पर तुमने उसे गौर से देखा है? आजकल बहुत गुमसुम से रहने लगी, कितने दिन हो गए उसे हंसते हुए तक नहीं देखा। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए? एक काम करते हैं, कल तुम ऑफिस से शाम को जल्दी आना, मैं भी जल्दी आऊंगा, हम साक्षी को लेकर कहीं बाहर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो जा मेरी बीवी। हाँ माँ, कॉलेज से आ गई हूँ, खाना खा लिया है। सुनो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है और टायर्ड फील हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके माँ, बाय। कुछ नहीं किया, मैं खुद अभी कमरे में आया हूँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ ये बेहोश कैसे। ऐसे टी शर्ट उतार के? हाँ, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरी बच्ची कॉलेज से आने के बाद जल्दी क्यों सो जाती है और उठने के बाद शाम को उसके पेट में क्यों दर्द होता है? तूने किया ये सब? तूने किया ना मेरी बच्ची के साथ ये सब? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अविक भी आने वाला है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। अरे छोड़, छोड़ मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? छोड़, अभी कौन है, छोड़ दे मुझे। सोनिया उठो, मुझे क्या हो गया सोनिया को? मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी आया हूँ। सोनिया उठो, मुझे लगता है इसको दौरा पड़ गया। सोनिया उठो, उठो सोनिया, उठो सोनिया, मुझे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, बुलाते सोनिया, सोनिया प्लीज प्लीज आंखें खोलो, सोनिया सोनिया आंखें खोलो, सोनिया सोनिया मुझे जल्दी। पैरालिसिस का सेवर स्ट्रोक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ आपको मेडिसिन एंड टेस्ट लिख देता हूँ, आप ये करवा लेना प्लीज। डॉक्टर साहब, सुनिया ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसे केसेस में 8 से 10 दिन रिकवरी होने में टाइम लग जाता है। जो मैंने टेस्ट एंड मेडिसिन दी है वो आप प्लीज करवा। ठीक है डॉक्टर साहब, सोनिया का ध्यान रख, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब। अब कैसी तबीयत है सोनिया की? आज से दवाई का कोई असर नहीं है यार, वैसे की वैसी है। ठीक होने में टाइम तो लगेगा ना यार,
तू टेंशन मत ले, तू अपने काम पर जा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। वैसे भी तेरा काम बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है। नहीं यार। देख, सोनिया भी यही कहना चाह रही है कि तू अपने काम पर ध्यान दे, है ना सोनिया? डोंट वरी सोनिया, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी काम निपटा के आता। मुझे प्लीज सोनिया को टाइम से मेडिसिन दे देना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। थैंक यू विजय। ये दवाई खाओ, इसे खाकर तुम धीरे धीरे सीधा ऊपर उठ जाओगे, हमेशा के लिए। एक डॉक्टर की लिखी हुई दवाई नहीं है ये, मैं लाया हूं स्पेशली तुम्हारे लिए। स्लो पॉइजन है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम इस बिस्तर पे ही गुड बाय बोल दोगे। चलो खाओ। अब शुरू होगा मेरा दूसरा खेल। बोर हो गया हूं मैं, रोज रोज साक्षी को बेहोश करना, फिर उसके साथ नहीं, अब मैं चाहता हूं मैं जो भी करूं खुलेआम करूं, उसका मजा अलग है ना सोनिया? क्या बात कर रही हो मां? अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं मां? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेना था। मां मेरी बात सुनो मां। यार क्या हो जे? सब ठीक तो है ना यार? अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया यार, मां ने एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। वो मेरी शादी करवा रही हैं और लड़की वालों के साथ वो यहीं आने वाली। अरे अरे ये तो अच्छी बात है भाई, तुझे लड़की पसंद नहीं है क्या? अरे यार लड़की तो बहुत अच्छी है, कम उम्र की है, 20 साल की। भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तुझे खुश होना चाहिए मेरे भाई, खुश होना चाहिए। नहीं यार, मैंने जब माँ को ये बात बताई ना कि हम सब साथ में इस घर में रह रहे हैं, तो वो बिफर गई, कहने लगी कि वो यही चाहती हैं कि इस घर में मेरे अलावा और कोई ना रहे। बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है, अगर लड़की वालों को पता चल गया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, और कहीं रिश्ता ना टूट जाए। तो फिर अब क्या करेगा? तुम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना होगा यार। क्या बात कर रहा है यार तू? यार घर की हालत देख ही रहे ना, सोनिया की तबीयत कितनी खराब है, पैसों की कितनी तंगी है, मैं कहाँ जाऊँगा मेरे भाई? यही बात सोचकर तो मुझे भी टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ तो सोच यार, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा यार? एक आइडिया है मेरे पास, जिससे तुम्हें भी शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। मगर रहने दे, तू बुरा मान जाएगा यार। बुरा क्यों मानूंगा यार, बताना क्या बात है? अगर मेरी शादी माँ की बताई हुई लड़की की बजाय साक्षी से हो जाए तो तुम्हें शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। क्या बात कर रही है, साक्षी अभी बच्ची है और तू? मैंने कहा था ना तू बुरा मान जाएगा। तू बात ही ऐसी कर रहा है यार। क्यों? अभी जब मैंने तुझे बताया कि मेरी शादी 20 साल की एक लड़की से हो रही है, तब तो तू बहुत खुश हुआ था। और साक्षी और उस लड़की में कितना अंतर है, 1-2 साल का होगा, और किसी को बताने की क्या जरूरत है? हम पंडित को बुलाकर चुपचाप घर में शादी कर लेंगे, और जब साक्षी 18 साल की हो जाएगी तब कोर्ट में मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। खैर तेरी मर्जी है, माँ के आने से पहले डिसाइड कर ले क्या करना है। एक बार के लिए तेरी बात मान भी जाऊं, लेकिन
इसकी क्या गारंटी है कि आंटी मुझे और सोनिया को यहाँ रहने देगी? चल आंटी एक बार मान भी जाए तो यार शादी के बाद मैं यहाँ कैसे रहूँगा? घर तो तेरे नाम हो गया ना। बस इतनी सी बात? अरे यार एक काम करते हैं, शादी के बाद ना ये घर मैं वापस तेरे नाम करवा दूँगा। तू तो जानता है कि मुझे तेरी खुशियों का कितनी कदर है और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता दोस्त। ठीक है यार, मुझे मंजूर है। चल मैं चाय बनाता हूँ, दोनों चाय पीते। उठ उठ उठ। बेहोश कैसे हो गई? खाना तो मैंने हटा दिया था ना। अच्छा जी, तो मैडम ने प्लेट किचन से उठाकर ही खा ली। सोचा था सब कुछ होश में होगा, पर लगता है तुम्हें अब ऐसे ही मजा आने लगा। अंकल नहीं, तुम्हारा होने वाला पति। छोड़ी छोड़ी मुझे, हटिए यहाँ से। अब समझी मैं, रोज खाना खाती मुझे इतनी नींद क्यों आने लगती थी और नींद से उठने के बाद इतना पेट क्यों दुखता था? ये सब आपका किया धरा है जिससे क्या मेरा फायदा उठा सके? अरे दोष पापा को, जान से मार देंगे वो तुम्हें। पापा तो आए हुए हैं तुम्हारे, उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया, तभी तो वो हमारी शादी करवा रहे हैं। You just shut up. You're getting married. पापा, पापा अभी क्या भी निकाली उस कमीने इंसान को इस घर से? कौन? किसकी बात कर रही हो बेटा? आपके उस कमीने दोस्त विजय की। ये क्या बदतमीजी है? तुम इससे नाम लो उसका, वो तुम्हारा पति बनने वाला है। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना है, उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ये क्या कह रहे हैं पापा? आपके सेंसेस में तो है। सेंसेस में हूँ इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जिस छत के नीचे तुम खड़ी हो ना, वो विजय की है। जो तुम्हारे पापा ऑफिस जाते ना रोज, ये भी विजय की देन है। इस तपल लेडी तुम्हारी माँ इसे देख रही हो? अगर विजय अपना हाथ खींच ले ना तो इलाज के लाले पड़ जाएंगे। अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं कुछ भी करती, लेकिन अपनी औलाद के साथ ऐसा हरगिज नहीं करती पापा। तो ठीक है फिर, गला घोट दो अपनी माँ का, सड़क पे मरने से अच्छा यही मर जाएगी ना। एक्सक्यूज मी, कैन आई इंटरप्ट? नहीं, आई मीन अगर मैं बाप बेटे की बातों में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ। नहीं विजय, तुम इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं वहीं पे। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सभा हि याभ्यन्तरा शुचिः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। ये लो पानी पिलाओ।
आज हमारी बेटी की शादी हो रही है, मंत्र सुन रही है ना? कुछ देर और हमारी सारी परेशानी गायब हो जाएगी। लंबोदर नमस्तुभ्यं बोधकं सदंबरियं। शांत हो जाओ सोनिया, शांत हो जाओ। तुम्हें तो बोलती थी एजी जस्ट अ नंबर। ट्रस्ट में जो हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है। अभी कहाँ हो? पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ आता हूँ मैं। अच्छा सोनिया मैं चलता हूँ, फेरे होने के बाद दोनों को यहाँ जरूर लाऊंगा तुम्हारे आशीर्वाद के लिए। यच्चाभाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावान् स महिमा तोजायास्य पुरुगा। भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे। ततो विक्वं विक्राम शासनान स्नेयवि ततो पिराढजा। वर आगे रहेगा, कन्या पीछे रहेगी। आइए। रुक जाइए पंडित जी, कानूनन ये शादी नहीं हो सकती है। मेरी बच्ची नाबालिग है, सिर्फ 17 साल की है वो, और आपने अगर ये शादी करवाए तो आप भी जेल जाएंगे। ये कुछ भी कह रही है, आप मंत्र पढ़िए, फेरे भी पूरे नहीं हुए। ओम नमः। से बाबू तुम, ये हमारी बच्ची है, रोक दो इस शादी को। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। आइए। पुरुषा एवेद गं सर्वं जत भूतं जत। रुक जाओ पंडित। इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको कॉल किया था, ये लोग जबरदस्ती मेरी बच्ची की शादी करवा रहे हैं। मेरी बच्ची नाबालिग है, सिर्फ 17 साल की है। जी सर मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं 17 साल की एक अडल्ट भी नहीं हुई और ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। सोनिया जी का फोन आया, उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। क्यों हैरानी हो रही है कि मैंने कॉल कैसे किया, यहाँ तक कैसे आई? तू तो मुझे स्लो पॉइजन दे रहा था ना, तू जो मुझे दवाई देता था ना वो मैं नहीं खाती थी, तेरे जाते ही वो मैं मुंह से निकाल के फेंक देती थी। तेरी दी हुई एक भी दवाई का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब ये ना सिर्फ मेरी बच्ची से जबरदस्ती शादी कर रहा था बल्कि इसने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया है कि मैं बोल नहीं सकती, और तो और इसने मुझे भी मारने की कोशिश की है, और इन सब में मेरे पति भी शामिल है। ये क्या बोल रही हो सोनिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिक पैसों ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम अपनी बच्ची को बेचने चले। लेकिन सोनिया बस, अब जो भी सफाई देनी है पुलिस स्टेशन चलकर देना, ले चलो इनको, चलो पंडित जी तुम भी। Thank you.